बहुत से डॉग ओनर्स ने ये फेस किया होगा जब भी वो कहीं बाहर से आते हैं एंड घर में आते ही उन्हें एक स्टिंकी सा येलो यूरिन का पडल दिखता है तो उसे क्लीन कैसे करें ये सोचकर ही हालत खराब हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एंड आज हम जानेंगे ऐसे कुछ तरीके जिससे आप अपने घर के कारपेट को अच्छे से क्लीन कैसे रख सकते हैं। ये अक्सर तब होता है जब आपका पपी ट्रेनिंग स्टेज में हो, बट ये सारे एज के डॉग्स के साथ भी हो सकता है। जैसे अगर कभी आप अपने पपी को वॉक पर लेकर नहीं जा पाए तो उसकी वजह से भी वो ऐसा कर सकते हैं। पर सवाल ये आता है कि आप इस मेस को कैसे क्लीन करेंगे। अच्छी खबर ये है कि ये स्टेन्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं एंड आगे हम आपको इसके लिए ही कुछ तरीके बताने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। एक बार आपने वो जगह देख ली जहाँ स्टेन है वहीं से आपका काम शुरू होता है, बट इससे पहले आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि क्या आपके पास अच्छे क्वालिटी के स्टेन रिमूवर एंड ब्रश हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे स्टेन रिमूवर्स एंड ब्रश के लिंक दिए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बढ़िया, आप अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। कारपेट क्लीन करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वह है ड्राई टॉवल या फिर पेपर टॉवल, ओडर एलिमिनेटर, एंजिमेटिक यूरिन एलिमिनेटर, पेट यूरिन डिटरेंट, कारपेट क्लीनर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिश सोप। हमने इनमें से कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक ज़रूर कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान आपको शुरू करने से पहले ये देना होगा कि आप जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करें उसे अच्छे से एक बार पढ़ लें। कुछ क्लीनर ज़्यादा केमिकल बेस्ड होने की वजह से आपके कारपेट को ख़राब भी कर सकते हैं, इसलिए आप पहले उसे छोटे एरिया में चेक करके देखें। दूसरा है, जितना हो सके आप यूरिन को पेपर टॉवल या ड्राई टॉवल से साफ कर ले, यह आपके कारपेट की सेफ्टी के लिए ही है। तो आइए देखते हैं कि स्टेन को क्लीन कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो आप अपने उस शैतान पपी को वहां से हटाकर कोई सेफ जगह पर रख दें। सेकंड, जितना हो सके उतने यूरिन को टॉवल से साफ करने की कोशिश करें। थर्ड, किसी अच्छे साफ कपड़े से उस पॉट पर क्लीनर का यूज़ करें एंड यूज़ करने से पहले एक बार लेबल ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कारपेट खराब ना हो। फोर, क्लीनर को कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दे, कुछ क्लीनर्स को अपना केमिकल का कमाल दिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और लास्ट स्टेप है, उस पॉट को अच्छे से ड्राई होने दें एंड फिर साफ कर दें। आप अपने ही एक क्लीनर घर पर कैसे बनाएं? हाँ दोस्तों, आप अपने लिए एक क्लीनर घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी या आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं घर पर क्लीनर कैसे बनाएं। सबसे पहले एक कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक कप डिश सोप, उसमें एक कप पानी, इनको अच्छे से मिक्स करके एक बोतल में भर लें। इस मिक्सचर को आप इस पॉट पर छिड़के, अच्छे से छिड़के एंड 20 मिनट्स के लिए वैसे ही रहने दें। अब आप उस पॉट से इस मिक्सचर को अच्छे से साफ कर लें, उसे थोड़ी देर ड्राई होने दें। आइए अब हम देखते हैं कि आपका पपी आखिर कारपेट पर पी क्यों करता है। कभी कभार वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप एक स्ट्रिक्ट पॉटी ट्रेनिंग पे भी हो, फिर भी कभी कभार ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। इसका एक दूसरा रीज़न हो सकता है मार्किंग। मार्किंग मतलब डॉग्स कुछ जगह पर पी करके अपना इलाका बना रहे होते हैं। डॉग्स अक्सर ऐसा तब करते हैं जब वो एंग्शियस या पोजेसिव फील करते हैं। इस बिहेवियर को रोकने के लिए आपको अपने पपी पर ध्यान देना होगा, उन्हें ऐसी जगहों पर जाने से रोकना होगा एंड जैसा हमने पहले ही बताया, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप उस जगह को क्लीन कर सकते हैं। एक पेट यूरिन डिटरेंट की मदद से आप अपने पपी को वहाँ जाने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो और भी डॉग्स एंड मम्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने पपी को और अच्छे से जान पाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।